हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मोटो यही है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पेड है तो फिर उसकी जगह कौन सा दूसरा डेटाबेस यूज किया जाए जो अनपेड हो, जिसके लिए आपको पैसे ना देने पड़े और फिर भी आप डेटाबेस जैसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वर्क करते हैं वैसा ही वर्क कर पाए। तो ऐसा कोई डेटाबेस है भी कि नहीं है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक डेटाबेस है ओपन ऑफिस का, तो कैसे इसको तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेट पे जैसे ही जाएंगे गूगल पे तो सर्च कीजिएगा और वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन ऑफिस फ्री डाउनलोड सर्च कीजिएगा, पूरा इसका पैकेज डाउनलोड कीजिएगा और इसमें आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। राइटर मिल जाता है, कैल्क मिल जाता है, कैल्क के अलावा इंप्रेस मिल जाता है और इंप्रेस के अलावा बेस डेटाबेस मिलता है। तो ये बेस डेटाबेस ही वो सॉफ्टवेयर है जिस पर आप काम कर सकते हैं। अब आपको मैं दोनों ही का इंटरफेस दिखाऊंगा, दोनों ही पर काम करके दिखाऊंगा ताकि दोनों ही में कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ओपन ऑफिस चाहिए तो यहाँ पे ओपन ऑफिस डाउनलोड आपने कर रखा होगा तो यहाँ पे ओपन टाइप कीजिएगा तो ओपन ऑफिस आ जाएगा। पूरा ओपन ऑफिस भी टाइप कर सकते हैं अगर ना आए तो। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ओपन ऑफिस बेस। अगर आप सीधा ओपन ऑफिस पे जाएंगे तो इस तरीके से ये ओपन होगा और यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। ये डाटाबेस जो दिया यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डाटाबेस आ जाएगा। हमें नया ही डेटाबेस बनाना है, पुराना तो लेना नहीं है, नहीं तो एग्जिस्टिंग पे हम जा सकते थे। ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट भी नहीं कराना है, नहीं तो कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस कर देते और यहाँ पर रजिस्टर ना करते हुए यहाँ पर आ जाइएगा। इस तरीके से आप आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप हैं और यहाँ से सीधा क्लिक करिएगा तो इस पर आ जाइएगा और यहाँ पर रजिस्टर करना नहीं हमें, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, तो यहाँ पे जा करके नेक्स्ट कीजिएगा और रजिस्टर मत कीजिएगा, सीधा फिनिश पे करिए और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम आएगा। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो आ रहा है वही रहने देने वाला हूँ। और यहाँ पे .odb इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है, db से समझ जाइए कि डेटाबेस ही होता है। ठीक है ना, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, टेबल डिजाइन व्यू पे जाना है। ठीक है, एक्सेस में तो आप जानते ही हैं एक्सेस में क्या है, तो एक्सेस भी ओपन करके दिखाई देता हूँ आपको। वैसे तो आपको सब पता ही है, एक्सेस की पता नहीं कितनी वीडियोज आप देख चुके होंगे हमारी। तो यहाँ पर ये एक्सेस का सिनेरियो है और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है एक्सेस में, और यहाँ पर जाने के बाद ये एक विंडो ओपन होती है और यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट नाम आता है और यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है .accdb, चाहे डेटाबेस जो भी हो लास्ट में db लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा आएगा और यहाँ पर जाकर के डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ नाम दे देंगे तो ये भी इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, अब ये है हमारा बेस डेटाबेस। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कैसे एंटर करेंगे, तो फील्ड नेम में जो भी देना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया रोल नंबर, ये लिख दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा ज्यादा बेटर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अलग जो है यहाँ पर आपको डेटा टाइप मिलता है। यहाँ पर देखिए ये डेटा टाइप है ओपन ऑफिस के, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अलग मिलता है और बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं ऊपर नीचे कितने सारे डेटा टाइप आपको मिल रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इतने सारे डेटा टाइप आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, इससे कम ही डेटा टाइप आपको मिलेगा और ये खासियत है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ये जो डेटाबेस है ना इसके लिए कोई पे नहीं करना, सीधा आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। अब मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप इसे बनाते हो प्राइमरी की समझ रहे हैं ना, जो की यूनिक होती है, जो फील्ड यूनिक रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर लिख दिया तो ये ऑलरेडी जो है प्राइमरी की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की नहीं आ रहा है। जरा देखिएगा ये बेस डेटाबेस वाला जो है यहाँ पे प्राइमरी की बन के नहीं आ रहा है, तो कैसे प्राइमरी की बनाएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्राइमरी की, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी ये प्राइमरी की बन जाएगा। प्राइमरी की यानी ये वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है, यहाँ इसमें जो भी वैल्यूज डाली जाएंगी इस फील्ड में ये रिपीट नहीं होंगी। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर दीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स करने के बाद यहाँ पे वेयर केयर आ ही रहा है देख सकते हैं। तो ये वेयर केयर जो है ये एक तरह का डेटा टाइप है, इसके बारे में मैंने बताया था। देखिए केयर में और वेयर केयर में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेयर केयर लिया हुआ है। ठीक है, वेयर केयर मेमोरी लास्ट में रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, जैसे कंप्यूटर कर दिया हमने, ठीक है, इंग्लिश कर दिया, यहाँ पर हमको चेंज करना होगा। ये जान लीजिएगा कि ये सेम जो है टेक्स्ट वेयर केयर से हम काम नहीं कर सकते कैलकुलेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे नंबर बनाना होगा, नहीं तो डेसिमल बनाना होगा, नहीं तो इंटीजर बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिक ही बना लेते हैं, यानी नंबर ही बना लेते हैं और इसको भी नंबर बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर SST लिख देता हूँ, SST, तो ये SST भी एक सब्जेक्ट हो गया। अब इस तरीके से फिर यहाँ पर भी नंबर बना लीजिए और फिर यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैथ्स कर देते हैं, MATHS मैथ्स हो गया, और मैथ्स को भी यहाँ से क्या करेंगे, न्यूमेरिक यानी नंबर बना लेंगे, और फिर मैथ्स के बाद साइंस करेंगे, SCIENCE साइंस, और साइंस को भी हम क्या करेंगे, नंबर बना लेंगे। तो ये नंबर हो गया,
तो ये देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच सब्जेक्ट जो है हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ठीक है, तो टोटल यहां से हो जाएगा, लेकिन इसको भी हमें क्या रखना होगा, नंबर ही रखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर टोटल कैसे करते हैं और वहां पर कैसे टोटल करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। देखिए अब यहां पर भी मैं जल्दी जल्दी दे देता हूं, मैथ्स जो भी हो, इंग्लिश हो गया और ये हो जाएगा मैथ्स, एम ए टी एच एस, मैथ्स, ठीक है। तो ये चार सब्जेक्ट और लास्ट में एस एस टी कर देते हैं, एस एस टी। तो ये चार पांच सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, लेकिन इनका भी डेटा टाइप हमें नंबर ही लेना होगा, नहीं तो ये हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट के साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर इसको नंबर कर दिया और यहाँ पर भी इसको नंबर कर देंगे। अब हमको टोटल करना है, तो देखिए ना यहाँ पे 2021 में ये खासियत है कि आपको टोटल करने की सुविधा इसी टेबल के अंदर मिल जाती है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे ना तो ये इस तरीके से कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा और यहाँ से जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है उनके मार्क्स को, उनको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते जाइए, प्लस इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट क्या है मैथ्स, एम ए टी एच एस, प्लस चौथा सब्जेक्ट एस एस टी, हिंदी छूट गया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कर्ली ब्रेसेस नहीं रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा और ये कैपिटल रहेगा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ जाता है, तो इसीलिए अब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, जैसे मैंने कंप्यूटर के बाद इंग्लिश लिखा, फिर मैंने मैथ्स लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी छोड़ दिया मैंने ऊपर, तो यहाँ पे हिंदी को यहाँ पे कर सकते हैं, ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन चीजें सेम होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम मैच करती हुई, अगर इधर उधर होगा तो ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ से जाएंगे तो ये कैलकुलेट करके हमें दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आपने एंटर किया, आर एम राम, ठीक है, और राम एंटर करने के बाद यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ 100 में एंटर किया, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे एस एस टी भी देना है, तो यहाँ पे एस एस टी में कर देते हैं 70। अब देखेंगे तो यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर आएगा, आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। ये हमारी टेबल तो बन गई है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने टोटल भी एक फील्ड डाला है, लेकिन इस फील्ड को हम यहाँ से इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर कहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो पहले तो हम इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये एडिट कर लिया और एक फील्ड को हम डिलीट कर देते हैं टोटल, ठीक है, इसको नहीं इंसर्ट करेंगे हम, ये हम क्वेरी के थ्रू लेके आएंगे टोटल, ठीक है। अब इसको हटा दिया हमने टोटल को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा टोटल को हटा दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेरी पे जाएंगे और क्वेरी पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और जैसे जाते हैं तो ये ऐड करवा लेंगे, ठीक है, ऐड करवा लिया, टेबल यहाँ पे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। अब टेबल दिख रही है तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये रोल नंबर आ गया, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, डबल क्लिक कीजिए, इंग्लिश आ गया। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सीक्वेंस में नंबर्स को आप ऐड करेंगे, बस स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस फील्ड को हम नाम यहां से देंगे, ठीक है, वहां से ना देकर के यहां से नाम देंगे, यहां पे टोटल दे दिया और अब यहीं पर कैलकुलेट करने का सारा काम करना है। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो हमने क्या यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे यूज होगा डबल डॉटेड कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर डबल डॉटेड कॉमा क्लोज करके दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, इंग्लिश, ठीक है। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये प्लस कर दिया, जैसे सीक्वेंस इधर उधर होने का मतलब पहले हमने एस एस टी लिख दिया, लेकिन उसी तरीके से लिखना है जैसे लिखा गया है, स्मॉल कैपिटल का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने साइंस लिख दिया, ठीक है, एस एस टी के बाद मान लीजिए है कोई और सब्जेक्ट, मैथ्स है, लेकिन हमने सीधा साइंस लिख दिया, तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, तो भी करेगा, ठीक है। तो ये साइंस हो गया और फिर प्लस का निशान लगाएंगे, इस बार मैथ्स कर देते हैं, मैथ्स छूट गया है, तो यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा लगा करके एम ए टी एच एस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही से कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस भी मायने रखता है, तो यही बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया, टोटल नाम दिया, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको रन करवाना है, तो रन कहां से होगा, ये देखिए, देख रहे हैं रन क्वेरी, तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ऊपर आपको क्वेरी रन होते हुए नजर आएगी, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर क्वेरी रन होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ये रहा आपका ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस, तो दोनों ही आई होप कि समझ में आया होगा। और ये जो ओपन ऑफिस है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कीजिए गूगल से जाके सीधे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही में क्वेरीज आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई डिमांड है तो जरूर बताइएगा वीडियोज वगैरह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।